अपने गानों की लिरिक्स के चलते टोनी कक्कड़ अपने ही ट्विटर आस्क सेशन में हो गए ट्रोल। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। जहां कल आस्क टोनी करके जो है ट्विटर पर टोनी कक्कड़ ने एक सेशन कंडक्ट किया जिसमें फैंस उनसे सवाल पूछ सकते थे, और ये सेशन, ये हैशटैग आस्क टोनी जो है काफी हिट भी हुआ, नंबर वन पर ट्रेंड भी किया। लेकिन फिर भी जहां फैंस ने उन पे तारीफों के जो है शार्ट्स किए, खूब सारी उनकी तारीफें की, तो वहीं कुछ लोगों ने टोनी को जमकर ट्रोल भी किया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि टोनी कक्कर को किस किस तरीके से उनकी लिरिक्स के लिए ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि आप गाने मत बनाइए, आपकी वजह से म्यूजिक डेड हो चुकी है, आपकी वजह से हमारे सर में दर्द हो जाता है, और क्यों वही घिसी पिटी लिरिक्स को आप छाप कर वही पुराने सुनाने गाने बनाते रहते हैं। बता दें कि टोनी कक्कड़ का आखिरी गाना निकी तंबोली के साथ नंबर लिख हुआ है रिलीज, जो कि ऑलरेडी कर रहा है काफी ज्यादा ट्रेंड, म्यूजिक के नंबर वन ट्रेंडिंग स्पॉट पर भी आ चुका है। जिसके बाद टोनी कक्कड़ ने कहा है कि हिट गानों पर ही मीम बन सकते हैं, कोई भी फ्लॉप गानों पर मीम नहीं बनाता है। तो मैं एक हिट गाना बनाता हूँ और वो लोग मीम बना देते हैं, तो मेरे गाने एटलीस्ट हिट है इसलिए उन पर मीम बन पा रहा है, किसी फ्लॉप गाने पर कभी मीम नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ पे टोनी कक्कड़ ने दिया तो है बहुत ही मजेदार जवाब उन सभी ट्रोल्स को, लेकिन क्या ट्रोल्स का मुंह बंद होने वाला है? ये तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि ट्रोल्स को कोई चुप नहीं करा सकता। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।